आज मैं मौजूद हूं जरेला पुरवा ग्राम में, जो कि अब नगर पालिका पोखराया में जुड़ गया है। इससे पहले यहां प्रधानी हुआ करती थी। अभी काफ़ी गांव के लोग यहां पर खुश हैं कि चेयरमैन में ये जाएगा नगर पालिका में, तो यहां पर साफ सफाई, पानी बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी। इससे पहले प्रधानी में इतने काम नहीं हो पाते हैं, काम होते हैं लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर मैं जरेला पुरवा में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोग एक दुकान में बैठे हुए थे, आपसे में कुछ चुनावी चर्चा चल रही थी। हमने चलो यहाँ भी कुछ बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? जी प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, क्या रुझान चल रहा है सभासद की, पहला बात करेंगे। यहाँ पे सभासद प्रत्याशी कितने हैं आपके वार्ड में? छः लोग। तो छः लोगों में सिंबल मिल गया होगा? सिंबल मिल गया। चलो आप वैसे भी बता सकते हैं, किस हिसाब से बताना चाहते हैं आप, रुझान सभा सदी में क्या है? सभा सदी में कौन आगे चल रहा है, कौन बढ़त बना रहा है? अभी कोई मालूम नहीं जानकारी, अभी कोई मालूम नहीं पड़ रहा है। अच्छा, चेयरमैन में कौन बढ़त बना रहा है? बढ़त का बना, सभी बढ़त बना रहे हैं अपनी अपनी जगह सभी। तो ये तो बात आपकी नहीं जमी, आपके दिमाग में आगे कौन चल रहा है? सब भाई चार आदमी दौड़ते हैं तो आगे कौन निकल रहा है? कोई कमजोर नहीं अपने प्रत्याशी। अच्छा चलिए ठीक है। भाई साहब आपका क्या नाम? अमित कुमार जी, चेयरमैन में कौन बढ़त बना रहा है? कमल वाला। अच्छा, तो आपने आधे में कमल, मतलब जितना बोर्ड नगर पालिका में है पोखराया में टोटल ग्रामीण मिलकर के, उसमें आधा कमल में और आधे में सब पानी हो गए। क्या चाचा ये क्या कह रहे हैं? सही है। आपका क्या नाम? लोग भाई कमल के प्रत्याशी फिर वोट देंगे। अच्छा हाँ, क्योंकि प्रत्याशी पिछली बार हार गया था, सपा में था। हाँ, इस बार कमल में मिला आपको। अच्छा हाँ, वो बात में आगे सभी से। हाँ सभी लोग। अभी हमने कई लोगों से चर्चा किया है तो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कोई बोलता हाथी आगे चल रहा है। नहीं, पिछली बार जो सपा जो सीट मिली थी साइकिल चुनाव की, तो 100 वोट से आ रहा था। अच्छा हाँ, पहले भी बहुत अच्छा चुनाव रहा था, इस बार उससे बम्फर लड़ रहा। अच्छा, आपका भाई साहब क्या नाम है? क्या माहौल है इस समय चुनावी? मतलब अपना काम हो रहा है, बाकी चेयरमैन जीतेगा कब जीतेगा, जनता अपना काम कर रही है। तो कब आता है ये, दिन में आता है कि शाम को पहुंचता है? शाम को मिल रहा है, हम लोग भी मिल नहीं रहा भाई। अच्छा, हम लोग ताश। क्या चाचा आपका नाम क्या है? विनोद कुमार जी, क्या रुझान चल रही जनता की? कमल बढ़ रहा है आगे। कमल? अच्छा, बाकी सब पीछे दौड़ रहे उसके? हाँ सब पीछे। आपका भाई साहब क्या नाम? क्या माहौल है चुनावी? कमल, आपका चाचा क्या नाम है? राम किशन। राम किशन, कौन आगे दौड़ रहा है? सब समान है। ये कैसा कह दिया आपने समान? ये तो आप कुछ डर के बात कर रहे हो, किसी से डर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, आप डर के बात कर रहे हो। समान कह रही है, उंगली पांच है, इसमें समान कहाँ है? एक छोटी एक बड़ी एक ये, ऐसे आगे कोई दौड़ रहा होगा? आइए 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 आइए। खूब मुर्गा बांटा किसने? बीजेपी। किसने बांटा है दारू? बीजेपी। कौन बांट रहा है अब? कौन नाम थोड़ा बताए? अरे नाम नहीं, लेकिन बीजेपी पार्टी दारू और मुर्गा बांट। मुर्गा तो कितने बजे आते हैं बांटने? 6 बजे। 6 बजे तो मौजूदा हालत में मिल जाएंगे? चलिए ठीक है, कोशिश करता हूँ। आपका चाचा क्या नाम है? राम गोपाल जी, चेयरमैन के चुनाव में कौन आगे बढ़त बना रहा है? अभी तो सबका सुझाव है, जहाँ हमारा भी सुझाव। ये कैसे? वो अपना दाल रोटी खा रहा है, तुम अपना मुर्गा रोटी खाओ, इससे तुम्हें क्या मतलब? नहीं, दाल रोटी खा रहे थे, दाल रोटी हमको भी खाने पड़े। नहीं, आपका मत है ये, आपका मत आप अपने हिसाब से दीजिए। जब सभी का मत है तो वही हमको भी। ये तो आप घुमा रहे हो, सही सही बताओ। हम सही बता रहे कि जहाँ सब लोग का सुझाव। आपका क्या नाम है? अवनीश कुमार जी, क्या माहौल है चेयरमैन में? किस तरफ दौड़ रही है? भाजपा की तरफ। तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा वाले दारू और वो बांट रहे हैं पैसा। अच्छा, मतलब लालच दे रहे हैं जनता को,
इस हिसाब से दे रहे हैं, देने नहीं आते हैं। देने नहीं आते सरकारी। अरे साहब हम लोग सुबह शाम से तंबाकू गिरा रहे हैं। अवधेश कुमार क्या माहौल चल रहा है? ठीक चल रहा है। उनका पानी गिरार खुल गया। कौन आगे बढ़ रहा है? हम लोग तो भाजपा समर्थक हैं। तो भाजपा के हम लोग समर्थक हैं यहाँ पर, और भाजपा में ही आरोप लगा रहे हैं कि पानी गिरार खुल रहा है। कुछ भी कह सकता है, स्वतंत्र। अच्छा स्वतंत्र है। जरैला प्रवास से डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन शिवा के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी, जय हिंद।